विक का रोल कौन प्ले करेगा, फिल्म इंजन 2 में म्यूजिक कौन देगा। हेलो एवरीवन, मैं जसिका नर्मला स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉली ग्रैड स्टूडियोज में। इंडियन 2 एक अपकमिंग इंडियन तमिल थ्रिलर फिल्म है जो एस शंकर के अंदर डायरेक्ट की गई थी। उनकी 1996 की फिल्म इंडियन की नेक्स्ट पार्ट अली राजा सो भास्करन इसके प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म को लाइका प्रोडक्शंस के बैनर के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। इंडियन फिल्म एक एक्स फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड है जो करप्शन को पूरी तरह से खत्म करने में लगे हुए थे। वो अपना टारगेट सभी करप्ट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स को बनाते हैं ताकि वे अपना काम बिना ब्राइब्स लिए कर सके। हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि अंदावार कमल हसन की लॉन्ग टाइम डिलेड प्रोजेक्ट इंडियन 2 मैग्नम ओपस के मेकर एस शंकर जल्दी ही रिज्यूम करने वाले हैं। फिल्म मेकर और डायरेक्टर ने अपने इश्यूज को सॉल्व कर लिए हैं और फिल्म को जल्द ही रिवाइव करने वाले हैं। इंडियन 2 कमल शंकर की डुओ की 1996 की ब्लॉकबस्टर की अगली कड़ी है। स्टार्टिंग में अनिरुद्ध का म्यूजिक था और इसमें प्रिया भवानी, शंकर, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, बॉबी सिन्हा, सिद्धार्थ और समूति करानी जैसे बड़े स्टार्स थे। रिसेंटली इंडिया गिड्स ने आपको पहले बताया था कि तमन्ना ने फिल्म में काजल अग्रवाल की प्लेस ली है बिकॉज तमन्ना अपने फर्स्ट बेबी के साथ प्रेगनेंट है। इंडियन 2 के फिल्म मेकर्स भी एक्टर्स विवेक और मेदुमुदी बीनू के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है जो इस मूवी के कास्ट का एक पार्ट रह चुके हैं। तमिल सिनेमा के लेजेंडरी कॉमेडियन विवेक का 59 ईयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत हो गया था। रिसेंटली ये न्यूज चर्चा में आई कि टैलेंटेड एक्टर गुरु सोमा सुंदरम इंडियन 2 में लेट विवेक की प्लेस लेंगे। गुरु जिन्होंने थियागराजन कुमाराजास की अनन्या कांदाम से डेब्यू किया था, उन्हें कार्तिक सुब्बाराज की जिगर थंदा और राजू मुरुगन की जोकर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। करेंटली उन्हें अपने रोल शिबू के लिए पॉपुलर है जो फिल्म मिनल मुरारी की थी। साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदेर कंपोज करने वाले हैं जो हसन और शंकर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और उन्होंने शंकर के आदर्श सिंगर ए आर रहमान को भी रिप्लेस कर दिया था जिन्होंने पहले भी उनके साथ काम किया हुआ है। एक इंटरव्यू में रहमान ने ये बताया कि कमल ने उन्हें मेंशन किया था सीक्वल के लिए बट लेटर पता नहीं क्या हुआ शायद उन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर दिए। शंकर ने ऐसा सोचा होगा कि शायद मुझे ज्यादा काम अभी नहीं करना चाहिए, यही रीजन हो सकता है कि उन्होंने अनिरुद्ध को सेलेक्ट किया। फिल्म इंडियन की सीक्वल की अनाउंसमेंट 2017 में ही हो गई थी। फरवरी 2022 में सेट पर एक एक्सीडेंट कारण शूटिंग रोक दी गई जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। उसके बाद से फिल्म की प्रोडक्शन नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक, बजट की कमी, क्रू मेंबर की डेथ के कारण फिल्म की प्रोडक्शन नहीं हो पाई। ऐसी ही और मसालेदार चटपटी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल बॉली ग्रैड स्टूडियो को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।